हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आज के इस वीडियो में अनबॉक्स कर लेते हैं Realme C31 को, जो कि लेटेस्ट ऑफरिंग है Realme की तरफ से C सीरीज में। देख लेते हैं क्या है इसके स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स एंड क्या है मेरे इनिशियल इंप्रेशंस अबाउट दिस डिवाइस, सब कुछ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना अगर आप इंटरेस्टेड हो इस फोन में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबाओ ताकि आपको ऐसे अमेजिंग वीडियोस फ्यूचर में भी देखने को मिले। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग से। C31 आता है सेम येलो बॉक्स में जैसे कि बाकी के रियलमी फोन आते हैं, सो नथिंग स्पेशल। पीछे की तरफ सारे स्पेसिफिकेशंस मेंशनड है एंड मेरे पास है ये 4GB रैम 64GB मॉडल। बॉक्स ओपन करने पर सबसे पहले मिलती है ये सिम ट्रे रिमूवल पिन एंड कुछ पेपर वर्क। आपको यहाँ पर कोई कवर नहीं मिलता है, सो कीप अ नोट ऑफ दैट। नेक्स्ट है C31 इन डार्क ग्रीन कलर जो कि काफी अच्छा लग रहा है। एंड फिर मिलती है आपको एक USB टू माइक्रो USB केबल एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक 10W का चार्जर। अब बात करते हैं यहाँ पे डिजाइन की, तो पीछे की तरफ आपको वही सेम टेक्सचर्ड बैक पैनल मिलता है जैसे कि आपने पहले वाले सी सीरीज के फोन्स में भी शायद देखा होगा। एंड ये टेक्सचर्ड बैक पैनल मुझे पर्सनली काफी पसंद है क्योंकि इस पे स्क्रैचेस उतने इजीली नहीं आते। अगर आप इसे कंपेयर करो सैमसंग के एम सीरीज के फोन्स के साथ, उसमें आपको ग्लॉसी बैक पैनल मिलता है एंड उसमें स्क्रैचेस बहुत इजीली आ जाते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ लगती है मुझे अबाउट द सी सीरीज फोन्स के, इसमें ये टेक्सचर दे देते हैं रियलमी वाले। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं लुक्स की बात करूँ तो मुझे इसका लुक्स काफ़ी अच्छा लगा। मतलब 8-9 हज़ार रुपये के हिसाब से इसका लुक्स एंड डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लगी मुझे। यहाँ पे कैमरा कटआउट थोड़ा सा बड़ा है कंपेयर टू द प्रीवियस सी सीरीज फोन्स, क्योंकि इस साल रियलमी ने कुछ इस तरीके का मतलब कैमरा कटआउट सब फोन्स में दिया है, तो वही सेम यहाँ पे कंटिन्यू किया है रियलमी ने, सो दैट इज़ दैट। एंड अगर मैं बात करूँ इस फोन के वेट की, तो अराउंड 197 ग्राम इसका वेट है, उतना ज़्यादा भारी नहीं लगता है मुझे एंड काफ़ी अच्छे से वेट बैलेंस भी किया है रियलमी ने, सो थम्स अप फॉर दैट। इसकी थिकनेस 8.4 mm है, सो ओवरऑल ये फ़ोन ज़्यादा बल्की या फिर हैवी नहीं लगता है, मतलब 5000 mAh की बैटरी होने के बावजूद भी, तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड ज़्यादा वाइड भी नहीं है तो अच्छे से आपके हाथों में फिट हो जाता है एंड आप एक हाथ से भी मतलब ईजिली टाइप कर पाओगे इस फोन में। तो ओवरऑल मुझे कोई कंप्लेंस नहीं है डिज़ाइन के मामले में यहाँ पे। एंड बिल्ड क्वालिटी भी रियलमी के फोन्स की यूजुअली अच्छी होती है, तो इस फोन की भी अच्छी है, सो नो कंप्लेंस इन दैट डिपार्टमेंट एज वेल। अब आगे बढ़ने से पहले मैं फटाफट से आपको एक फिजिकल ओवरव्यू दे देता हूँ इस फोन का। तो लेफ्ट साइड में आपको मिलते हैं वॉल्यूम कंट्रोल कीज एंड ठीक उसी के ऊपर है सिम ट्रे स्लॉट, और ये एक प्रॉपर मतलब 3 ट्रे वाली स्लॉट है बिकॉज यहाँ पे आपको सिर्फ 32 और 64GB का स्टोरेज ऑप्शन मिलता है। तो अगर आपको एक्सपांड करना है तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि यहाँ पे आप 2 SIM कार्ड के साथ साथ एक SD कार्ड भी इंसर्ट कर सकते हो, तो दैट इज़ अ नाइस थिंग। एंड मुझे लगता है इसकी ज़रूरत पड़ सकती है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि 64GB मतलब आज के ज़माने में इनफ नहीं है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो मतलब WhatsApp पे हर एक वीडियो और फोटोज़ डाउनलोड कर लेते, तो उनके लिए आई एम श्योर ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, राइट साइड में आपको मिलता है पावर बटन अलॉन्ग विद फिंगरप्रिंट स्कैनर, एंड ये फिंगरप्रिंट स्कैनर मेरे हिसाब से तो काफ़ी मतलब फास्ट है। फेल्ड बिकॉज टू मेनी अटेम्प्ट्स, वापस से करके आपको दिखा देता हूँ। ये काफी फास्ट और एक्यूरेट है, सो नो कंप्लेंस विद द फिंगरप्रिंट स्कैनर। फेस अनलॉक वाला फीचर भी यहाँ पे मौजूद है लेकिन वो इतना फास्ट नहीं लगा मुझे, सो आई वुड सजेस्ट कि आप मतलब फिंगरप्रिंट स्कैनर ही यूज करो इस फोन में। डिस्प्ले की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है 6.52 इंच का डिस्प्ले विद 1600x720 रेजोल्यूशन, एंड ये एक HD प्लस डिस्प्ले है और यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको मिलता है अराउंड 88.7% का। अब कौन सा ग्लास यहाँ पे रियलमी ने यूज़ किया है वो रियलमी वालों ने नहीं बताया, तो जैसे ही मुझे पता चलता है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे अपडेट कर लूँगा, सो डू चेक इट आउट मतलब लेटर पॉइंट पे। नाउ टॉकिंग अबाउट द डिस्प्ले, यहाँ पे आपको व्यूइंग एंगल्स डिसेंट मिल जाते हैं, लेकिन एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे अच्छी नहीं लगी, यहाँ पे वाइड वाइन L1 का सपोर्ट नहीं है, विच मीन्स आप यहाँ पे कंटेंट 720p या फिर HD में एंजॉय नहीं कर पाओगे बिकॉज यहाँ पे वाइड वाइन L3 है, सो दैट इज स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग इन माई ओपिनियन। मतलब एटलीस्ट वाइड वाइन L1 का सपोर्ट दे देना चाहिए था इस फोन के लिए, तो वो एक अच्छी चीज़ होती, बट यहाँ पे नहीं है, तो आप यहाँ पे बस 480p में देख पाओगे वीडियोज नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम वीडियो वगैरह पे। हाँ मतलब YouTube पे तो आप देख सकते हो 720p HD वगैरह में, लेकिन Amazon Prime और Netflix पे आप नहीं देख पाओगे। अब बात करें स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ पे आपको यूनिसॉक का T612 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर है बेस्ड ऑन 12 नैनोमीटर, एंड यहाँ पे आपको 2 वेरिएंट्स मिलेंगे 4GB रैम एंड 3GB रैम वाले वेरिएंट्स विद 64 एंड 32GB स्टोरेज, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। अब कुछ लोगों को बेंचमार्क स्कोर्स और CPU थ्रॉटल टेस्ट वगैरह देखने में इंटरेस्ट होता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सारे स्कोर्स एंड थ्रॉटल टेस्ट का क्लिप्स डाल दूंगा।
अब बात करते हैं रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे मैंने पबजी वगैरह खेल के देखा एंड थोड़ा सा मतलब यूज करके देखा एंड मल्टीटास्किंग वगैरह भी करके देखा। तो पबजी में आप स्मूथ हाई पे खेल सकते हो, गेम प्लेएबल भी है, लेकिन मैं कहूँगा ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो इन टर्म्स ऑफ गेमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिवाइस, बिकॉज ये एक बजट डिवाइस है, तो आपको ज़्यादा मतलब एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ गेमिंग। मल्टीटास्किंग में मैं कहूँगा यहाँ पे मल्टीटास्किंग की परफॉर्मेंस अच्छी थी, मैंने 5-6 एप्लीकेशंस ओपन किए थे अलॉन्ग विद पबजी एंड वो सारे एप्लीकेशंस मेमोरी में थे फॉर सम टाइम, सो नो कंप्लेंट्स विद रैम मैनेजमेंट एज ऑफ नाउ। एंड ओवरऑल डे टू डे लाइफ में भी मुझे कोई ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं है इस फोन से। हाँ, आप ज़्यादा मतलब स्मूथनेस वगैरह एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये एक बजट डिवाइस है, तो आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते हो मतलब महंगे फोन्स के साथ। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस मुझे डिसेंट लगी फॉर दिस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट। अब बात करें सेंसर्स की, तो यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट सेंसर्स रियलमी ने दिए है, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये चीज़, बिकॉज बहुत सारे ब्रांड्स कुछ सेंसर्स निकाल देते हैं बजट डिवाइसेस में, लेकिन रियलमी ने ऐसा कुछ नहीं किया है, सारे इंपॉर्टेंट सेंसर्स यहाँ पे मौजूद है। बात करें सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पे कुछ प्री इंस्टॉल ऐप्स ज़रूर है, जैसे कि जोश, मौज वगैरह, ये सब आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मौजूद है, सो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे आपको Realme UI का R एडिशन मिल जाएगा, विच इज़ बेस्ड ऑन Android 11, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा मुझे, क्योंकि Android 12 आके कुछ समय ऑलरेडी हो चुका है एंड आई फील के सारे न्यू फोन्स में एटलीस्ट Android 12 आना चाहिए, लेकिन इस फोन में अभी Android 12 नहीं है, Android 11 ही है। हाँ, एक अच्छी चीज़ यहाँ पे ज़रूर है कि यहाँ पे मार्च सिक्योरिटी अपडेट आपको मिल जाता है, जो कि अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। ओवरऑल सॉफ्टवेयर अच्छा है, मुझे पर्सनली Realme UI ज़्यादा पसंद है कंपेयर टू मी UI, बट दैट्स जस्ट माय पर्सनल टेक, बट हाँ ओवरऑल नो कंप्लेंट्स विद सॉफ्टवेयर एज वेल। इस फोन में ट्रिपल कैमराज है, जिसमें से 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है विद f2.2 अपर्चर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है विद f2.4 अपर्चर एंड लास्टली एक ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा है विद f2.8 अपर्चर। अब यहाँ पे मैक्रो और ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा सिर्फ नाम के लिए है, सो डोंट एक्सपेक्ट मच। मैंने मैक्रो कैमरा से इस मिठाई का फोटो लिया है एंड क्वालिटी आप देख ही सकते हो कैसी है, सो एज आई सेड डोंट एक्सपेक्ट मच। प्राइमरी कैमरा से ठीक ठाक फोटोज आ जाती है एंड ये रहे कुछ सैम्पल्स। वीडियोस आप यहाँ पे 1080p 30fps में रिकॉर्ड कर सकते हो, बट यहाँ पे कोई स्टेबलाइजेशन आपको नहीं मिलेगी। सेल्फीज के लिए यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का f2.2 अपर्चर वाला कैमरा है एंड ये भी डिसेंट फोटोज क्लिक कर लेता है। फ्रंट कैमरा में आपको पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन नहीं मिलेगा एंड इवन वीडियोस सिर्फ आप 720p 30fps में रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से ये फ़ोन एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है अगर ये 8-9 हज़ार रुपये के आसपास आता है तो। फिलहाल मुझे इस फ़ोन का प्राइस नहीं पता है, जैसे ही पता चलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। कैसा लगा आपको ये फ़ोन मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आपको इस फ़ोन का डेडिकेटेड रिव्यू चाहिए या फिर कोई और वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट्स में बताना, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा आप लोगों के लिए वो वीडियो लाने की। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है ये सब वीडियोस बनाने में, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग एंड अनबायस्ड वीडियोस फ्यूचर में भी देखने को मिले। एंड या आई गेस दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। दिस इज सौरभ नहार, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, बाय।